एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विद सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। नेवर बिफोर हैज द मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर ऑफ अ मैन बीन सो विजिबल इन पार्लियामेंट एज वॉट वॉज डन बाय श्री राहुल गांधी टूडे। वेन द हाउस ऑफ द पीपल where laws are made to protect the dignity of women during the course of a session stands witness to a man's misogyny, my question is, should he be brought to task? Raah chalte suna tha ki auraton ko wo log jo kanoon ka ullanghan karte hain is prakar ki abhadra tippaniyan athwa abhadra संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। इट इज अनएक्सेप्टेबल, दैट्स व्हाई वी कंप्लेंट स्पीकर टुडे एंड टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन। क्या एग्जैक्टली आप लोगों ने कंप्लेंट में मांग की? Take action against the member, Wayanad member, who is insulted the woman, who is misbehaved with the woman. Flying kiss करते हैं? क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? कोई flying kiss का मामला नहीं है। स्मृति ईरानी जी अपना देखें कि जो सहेली उनको संरक्षण दी और मदद की उसके पति को भगा के शादी कर ली, और वो हमारे नेता राहुल जी पर बात करती हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि ऐसा सवाल उठाती हैं। हम लोग तो उसका वीडियो देखे हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो स्पीकर के तरह इशारा इशारा कर रहे हैं। उनको कैसे समझ में आ गया कि हमको राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं, यही हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन देखिए बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे थे माँ के बगल में बैठ कर बेटा इस तरह का हरकत करता है, बीजेपी के कई नेता सवाल उठा रहे हैं। ये सब आरोप जो है ये साजिश है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे राहुल जी जो हैं उनको लड़की का कमी नहीं है, अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे।